और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा थाना क्षेत्र से है, जहां पति की बेवफाई और धोखेबाजी के शिकार दो पत्नियां थाने पहुंची और पति को शादी का सौदागर बताते हुए आरोप लगाया है कि उनके पति ने तीन शादियां की और तीनों को धोखा दे दिया। शादी के बाद वह शराब पीने और देह व्यापार करने का दबाव बनाता था और मना करने पर उन्हें प्रताड़ित करता था। आरोपी पति सरफराज के खिलाफ पहले भी फर्जी शादी का मामला लखनऊ में दर्ज है, वहीं इस अपराध में उसकी मां भी उसके साथ शामिल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये एक सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर थाना कोतवाली नगर गोंडा में अभियोग पंजीकृत हुआ है। ये सैयद सरफराज नाम का युवक है। इसका अभी ऐसा प्रकाश में आ रहा है ये कि इसने तीन शादी की हुई है, प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाकर और उनसे शादी करता है और उनसे दहेज उत्पीड़न करता है और उनसे एक्सट्रॉशन करने की कोशिश करता है, दहेज के रूप में पैसे मांगने की बात आ रही है। पुलिस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही है, विवेचना कर रही है और इसमें कार्रवाई की जाए।